दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में टूटेगा गर्मी का रिकॉर्ड, पटना समेत राज्य के 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। जी हां, बिहार में गर्मी का सितम जारी है। इसी बीच कई जिलों में लगातार लू चल रही है। लू और गर्म हवाओं से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने गुरुवार से पटना सहित 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में राज्य के 11 जिले रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल और नवादा जिले में हीट वेव की संभावना है। साथ ही गर्मी में अधिक गर्मी का रिकॉर्ड भी इस सीजन में टूटने की संभावना है। आपको बता दें कि हीट वेव और गर्मी से बचने के लिए सरकार द्वारा भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अभी तक ठंडी हवाओं, मौसम की आंख मिचौने के बीच तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन आने वाले कुछ दिन से फिर से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बीएसएससी सचिवालय सहायक व अन्य पदों के लिए आवेदन आज से शुरू। 2187 पदों के लिए ऐसे करें अप्लाई। जी हां, राज्य के सचिवालय सहायक सहित लगभग आधा दर्जन विभागों में 2187 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी गुरुवार यानी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से सचिवालय सहायक के 1360 पदों सहित आधा दर्जन से अधिक विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 17 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी गेटवे के माध्यम से 14 व 15 मई तक ही परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की संख्या 40,000 से अधिक होने पर पीटी व मेंस दोनों परीक्षा का आयोजन होगा। पीटी में अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित विषय के एक एक टेस्ट बुक ले जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, वीर कुंवर सिंह जयंती पर 75,000 तिरंगा फहरेगा, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। जी हां, वीर कुंवर सिंह की जयंती पर 23 अप्रैल को आरा के जगदीशपुर में भव्य समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस मौके पर वहां 75,000 राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया जाएगा और वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा जिसमें भाजपा सहयोगी करेगी। गृह मंत्री 22 अप्रैल को पटना जाएंगे और 23 को जगदीशपुर में 11 बजे सभा को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन नहीं लगी तो अलग कमरे में बैठकर देंगे परीक्षा, जाने आदेश। जहां 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य है। जिन छात्रों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उन्हें परीक्षा में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा। इसकी जानकारी CBSE और CISE की तरफ से स्कूलों में दी गई है। बोर्ड प्रशासन की माने तो जिन छात्रों ने कोरोना की एक डोज भी नहीं ली है वैसे छात्रों को अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा दिलाई जाएगी। ज्ञात हो कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान टीका लेने की जानकारी ली जाएगी। जो छात्र एक भी टीका नहीं लिए होंगे उन्हें अलग कक्षा में बैठाया जाएगा। कमरे में जितने छात्र रहेंगे उनके बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखी जाएगी। छात्रों को मास्क पहनकर परीक्षा देने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड के माने तो कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 2 पार्ट में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। पहला पार्ट नवम्बर और दिसम्बर में लिया जा चुका है। अब 26 अप्रैल से टर्म 2 परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में 94% मजदूरों की आमदनी 10,000 रुपए से कम, इस श्रम पोर्टल पर मजदूरों के निबंधन से खुलासा। जी बिहार के 94% मजदूरों की आमदनी 10,000 से कम है, इस श्रम पोर्टल पर निबंधित 3.25 करोड़ मजदूरों के डेटा से यह खुलासा हुआ है। मात्र 1% से भी कम ऐसे मजदूर है जिनकी आमदनी 18,000 मासिक से अधिक है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन अभी इस श्रम पोर्टल पर हो रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को 3.5 करोड़ मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य दिया है। पोर्टल पर अब तक 2,80,88,000 से अधिक कामगारों ने निबंधन किया है। इनमें 2 करोड़ से अधिक मजदूरों ने सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से निबंधन कराया जबकि बाकी ने खुद से निबंधन किया है।
अगली बड़ी खबर, बीपीएससी 66वीं मेंस का रिजल्ट जारी। 1828 अभ्यर्थी का हुआ चयन, इंटरव्यू की तिथि सप्ताह भर बाद आने की उम्मीद। जहां बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 1828 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अब यह इंटरव्यू देंगे और उसके परिणाम के बाद फाइनल रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू का डेट अलग से जारी किया जाएगा। जानकारी है कि सप्ताह भर बाद ही इसके तारीख की घोषणा हो सकती है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मेंस की परीक्षा में जनरल से 755, ईडब्ल्यूएस से 169, एससी से 299, एसटी से 18, ईबीसी से 339, बीसी से 192, बीसी फीमेल से 56 चुने गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर 2020 से प्रक्रिया चल रही है। इसमें 449,450 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। अगली बड़ी खबर, 9 और 10 मई को होगा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया सीबीटी 2 परीक्षा तिथि, 35,000 पदों पर नियुक्ति। जी हां, रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 9 एवं 10 मई 2022 को परीक्षा देश भर में आयोजित की जाएगी। आरआरबी द्वारा जारी सूचना के अनुसार फिलहाल केवल पे लेवल 4 एवं लेवल 6 के लिए सीबीटी 2 परीक्षा की डेट घोषित की गई है। लेवल 2, 3 एवं 5 के लिए सीबीटी 2 की तिथि बाद में जारी की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में घर बनाना हुआ महंगा, 50% तक बढ़े सीमेंट और सरिया के दाम। जहां राज्य में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और गैस खाने पीने के सामान सबके दाम बढ़ रहे हैं और अब घर बनाना भी महंगा हो गया है। यह कीमत पिछले 5 माह से निरंतर बढ़ रही है। वहीं सरिया के दाम आसमान छू रहे हैं। निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण घर बनाना भी महंगा हो गया है। कच्चे माल की कीमतों में लगभग 40% तक वृद्धि होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इन सामग्रियों के बड़े दाम को आका जाए तो बीते 4 माह के मुकाबले अब घर बनाना करीब 50% तक महंगा हुआ है। ब्रांडेड कंपनियों ने एक सप्ताह में सीमेंट की बोरी पर 25 से 30 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अब सीमेंट की एक बोरी की कीमत 365 से 375 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं सरिया की कीमत भी 2 महीने में 50-52 रुपए किलो से बढ़कर 80-85 रुपए किलो तक पहुँच गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब स्कूली बच्चों को भोजपुरी व मैथिली में पढ़ाएंगे शिक्षक, वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी। जी हां, सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 3 तक में भोजपुरी और मैथिली भाषा में पढ़ाई इस सत्र से शुरू होगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी विषयों के शिक्षक मैथिली और भोजपुरी भाषा बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। इन दोनों भाषाओं में विज्ञान गणित के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को भी पढ़ाने के लिए वर्क बुक तैयार कर ली गई है। नई शिक्षा नीति के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। शिक्षा विभाग सूत्रों के मुताबिक जिन बच्चों के घर की भाषा भोजपुरी और मैथिली है, उसके लिए ऐसी अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार की गई है। इससे बच्चे समझ पाएंगे कि हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू के किसी शब्द का मायने उनके मातृभाषा में क्या है। यह स्थिति विज्ञान और गणित विषय की है। जैसे ही बच्चा विभिन्न विषयों को अपने घर की भाषा में समझेगा, उसकी पकड़ न केवल विषय बल्कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी के बाद अब राबड़ी देवी बनेगी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, राजद को होगा मुख्य विपक्षी दल। जहां राबड़ी देवी का बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया। उनके नाम के ऐलान की घोषणा होने से बुधवार को राजद एमएलसी सुनील कुमार ने विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से मुलाकात की और उन्हें राजद की ओर से राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग का पत्र सौंपा है। बड़ी खबर, विक्रमशिला एक्सप्रेस अब बक्सर में भी रुकेगी, संघमित्रा में स्लीपर कोच घटकर लगेंगे एसी डिब्बे। जहां रेलवे ने बिहार से चलने वाले लंबी दूरी की 2 सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें एक ट्रेन भागलपुर से खुलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस है, जिसका एक ठहराव गुरुवार से बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी ट्रेन संघमित्रा एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के कोच घटाते हुए उनकी जगह एसी कोच लगाए जाएंगे। रेलवे की ओर से इन दोनों सूचनाओं की पुष्टि कर दी गई है। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर और आनंद विहार के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 12367 और 68 भागलपुर आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस का बक्सर स्टेशन पर गुरुवार से प्रायोगिक तौर पर 6 माह के लिए 2 मिनट का ठहराव दिया जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार में बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा के लिए वेबसाइट लॉन्च, 342 संस्थानों में 37,000 सीटें। जहां बिहार में बीएड करने के इच्छुक युवाओं के लिए खबर महत्वपूर्ण है। 2 वर्ष से सीटी बीएड और शिक्षा शास्त्री 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन कर लाइव कर दिया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप डची ने बुधवार को आधिकारिक रूप से वेबसाइट का लाइव कर दिया है। कुलपति ने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के परेशानी न हो, इसके लिए वेबसाइट को काफी सुलभ बनाया गया है।
अभ्यर्थी अपने मोबाइल से भी आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। सीईटी बीएड 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी 25 अप्रैल की आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed.inmu.in पर जाकर 2 वर्ष बीएड और शिक्षा शास्त्री 2022 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 मई है, जबकि विलंब शुल्क के साथ 21 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। बड़ी खबर, कोरोना को लेकर हो जाइए सतर्क। पटना में नए वेरिएंट में मई जून में तेजी से बढ़ेंगे मामले, स्वास्थ्य विभाग ने जताई आशंका। जी हां, गुजरात मुंबई में कोरोना के नए एक्सी वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को 18 अप्रैल तक तमाम तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि मई के अंतिम से लेकर जून के प्रथम सप्ताह तक कोरोना मामलों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। इसे लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जागरूक लोग और पुलिस जवान ठीक मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को टोकने लगे हैं। वह स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक किसी सार्वजनिक स्थल पर कोरोना जांच का प्रबंध नहीं किया गया है। और अंत की बड़ी खबर, NPCIL में 225 पदों पर निकली वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों की भर्ती आज से करें ऑनलाइन आवेदन। जी हां, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने NPCIL career.co.in पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। NPCIL द्वारा मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट और सिविल सहित विभिन्न विषयों में कुल 225 रिक्तियों की घोषणा की गई है। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 28 अप्रैल 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 अप्रैल 2022 से आधिकारिक वेबसाइट npcil.nic.in के माध्यम से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य आवेदक के ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताया कि सरकार के द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के लिए राज्य में नए गाइडलाइन जारी करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।